जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, इफ यू लिसन मी प्लीज रिप्लाई द आंसर ऑन रिटर्न ऑर्डर्स। जी ओके। हमारा जो लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो हमारा आ रहा था, फूड एंड सैनिटेशन। फूड एंड सैनिटेशन हम जो है लास्ट वीक से पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट वीक से जो है फूड एंड सैनिटेशन की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, और ये बताया कि फूड एंड सैनिटेशन जो है उसके में फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या हैं, और फूड प्रिजर्वेशन मेथड के बाद मैंने आपको बताया कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, और फूड को सैनिटाइज करने के लिए। तो वो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो है हैजर्ड्स जो है फूड फूड प्रिजर्वेशन के लिए, हैजर्ड्स कौन से आ सकते हैं और डिजीज़ेस क्या कौन सी आ सकती हैं। डिजीज़ेस में से मैंने कुछ वायरल डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस एंड पैरासाइटिक डिजीज़ेस बताएं। और मैंने वायरल डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस एंड पैरासाइटिक डिजीज़ेस वही बताई जो इस इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो है मैंने वाटर प्योरिफिकेशन और फूड और वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट में जो डिजीज़ेस थी, वही अगर हम फूड को अपने को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं करते, उसका टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल नहीं रखते, तो वो फूड जो है कंटेमिनेशन हो जाती है। फूड की कंटेमिनेशन में जब हम वो फूड ले लेते हैं तो वही जो है डिजीज़ेस हमें होती हैं। तो वो डिजीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। अब जो आज मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ, कि आप फूड को कंटेमिनेशन होने से किस तरह अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब फूड को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब आज देखते हैं हम कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। जी मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी रबिया जिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। जी प्रिवेंशन ऑफ फूड बोर्न। फूड बोर्न जो है इसकी प्रिवेंशन में जो डिजीज़ेस है या कंटेमिनेशन ऑफ फूड है या फूड प्रिजर्वेशन है, जहाँ जहाँ भी हमने फूड को प्रिजर्व करना है, तो उससे हमने प्रिवेंशन जो है वो कैसे करनी है। प्रिवेंशन में कुछ आपको जो है स्टेप्स बताए हैं। इसमें नंबर वन, कुक, सेपरेट, चिल, क्लीन एंड रिपोर्ट। अब जिस तरह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके अंडर में कोई भी आपको क्वेश्चन जो है रिटर्न ऑर्डर में आ सकता है। जैसे फूड प्रिजर्वेशन में आपको जो है फूड सैनिटेशन में डेफिनेशन उसकी आ सकती है, और उसके जो है फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स आ सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आ सकता है। और इसी तरह जो है फूड बॉर्न डिजीज जो है कंटेमिनेटेड फूड से कौन सी डिजीज हो सकती हैं, वो क्वेश्चन अलग आ सकता है आपको। इसके अलावा जो है मोस्टली जो प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न, प्रिवेंशन फ्रॉम फूड बॉर्न जो है इसके स्टेप आपको आ सकते हैं कि कुक, सेपरेट, चिल, क्लीन एंड रेपर। अब इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटरनल एग्जामिनेशन में आ जाए तो एक्सटर्नल में नहीं आ सकता। एक्सटर्नल एग्जामिनर भी वही होते हैं जो इंटरनल होते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन लेने वालों में से ही कोई एक्सटर्नल जो है वो पेपर बनाता है। तो इसमें जो मैंने आपको स्टेप बताए, सबसे पहले था कुक। तो फूड को कैसे थोरली कुक, मीट 145 to 165 फारेनहाइट, जो जब भी हम किसी चीज़ को कुक करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है मीट की। जब हम मीट को थोरली कुक करते हैं तो उसको टेम्परेचर कितना देना होगा, 145 to 165 फारेनहाइट। इसी तरह से अगर जो है पोल्ट्री, पोल्ट्री को जो है वो हम टेम्परेचर देंगे 165 डिग्री फारेनहाइट।
एंड एग्स जो अब एग्स को बॉइल करेंगे तो उसको कितना टेम्परेचर देना होगा? 145 फॉरेनहाइट। यूज अ टेम्परेचर टू मेजर इंटरनल टेम्परेचर ऑफ मीट। जब भी हम मीट को टेम्परेचर देते हैं तो इसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं कि वाकई इतना टेम्परेचर हमने दिया है। इसकी एग्जाम्पल कि हम कुक्ड समटाइम हम कुक फूड जो है कुक्ड फूड उसको हम माइक्रोवेव में दोबारा से टेम्परेचर देते हैं। जब दोबारा से टेम्परेचर देते हैं तो जो हमें एक्सटर्नल तो वो इस तरह लग रहा था कि बहुत वो हॉट हो गया है, बहुत टेम्परेचर है उसका, बट इंटरनली हम उसको चेक करें तो वो कोल्ड होता है। तो ऐसा कोल्ड जब ऊपर से वो हॉट होगा अंदर से कोल्ड होगा तो ये हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल नहीं होगा, इसलिए हमने उसका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से चेक करना। अब थर्मामीटर जो है अगर हम घर के यूज के लिए चीजें देखें कि हम जी कोई चीज कुक कर रहे हैं तो हमने उसको टेम्परेचर जो है हम इंटरनली थर्मामीटर से चेक करना है, तो सबसे बड़ा थर्मामीटर हमारा हाथ और हमारी फिंगर्स होती है जिसके से हम चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा थर्मामीटर जो है हमारी टंग होती है जिससे हमें टेम्परेचर का अंदाजा हो जाता है। जैसे हम कोई माइक्रोवेव में मीट, स्पेशली मीट की एग्जांपल इसलिए दी गई है कि जब हम माइक्रोवेव में मीट यूज करते हैं तो अंदर से वो कोल्ड है, उसका टेम्परेचर उतना नहीं होता जैसे एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल मैं और उर्दू में और क्लियर करती जाऊँ कि बोटी को जब हम तोड़ते हैं तो दरमियान में वो ठंडी होती है, तो हम उसका टेम्परेचर जो है हमें वो एक इक्वल रखना होगा इंटरनल और एक्सटर्नल। कुक्ड फूड शुड बी रीहीटेड टू 165 फॉरेनहाइट, इसी की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है। हॉट फूड शुड बी केप्ट हॉट एट 135 डिग्री फॉरेनहाइट और अबव। जो हॉट फूड है जिसको हम जो है नॉर्मली आफ्टर कुक रखते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है 135 डिग्री फॉरेनहाइट तक नॉर्मली होना चाहिए जब हम चीज को पका के बाहर रखते हैं। कुक फूड इमिजिएटली आफ्टर डिफ्रॉस्टिंग। अगर हमने कोई चीज फ्रॉस्ट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीज की हुई है हमने फ्रिज में, मीट फ्रीज किया हुआ है या कोई भी चीज़, कोई वेजिटेबल या उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है हम फ्रीजर से निकालते हैं, जैसे जो है सम टाइम हम जो है मटर जो है मटर को फ्रीज किया होता है या कुछ भी फ्रीज किया होता है उसको हम पकाने के लिए निकालते हैं, तो उसको कुक फूड इमीडिएट आफ्टर डिफ्रॉस्टिंग और उसकी डिफ्रॉस्टिंग के फौरन बाद हमने उसको कुक कर लेना, ना कि वो ज्यादा देर तक रखना है। तो अगर हम उसको ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो वो कंटेमिनेशन हो जाएगा, उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, इसलिए उसको डीफ्रीज करने के फौरन बाद हमें जो है कुक कर लेना होगा। तो दूसरा स्टेप मेरा था सेपरेट। तो एक तो चीजों को मैंने बताया कि उसको अच्छे तरीके से कुक करना है, उसका टेम्परेचर जो है जो मीट को कितना टेम्परेचर देना है, डीप फ्रीज को जो है हमने फौरन से जो है कुक करना है। इसी तरह सेपरेट क्या है, सेपरेट वॉश हैंड यूटेंसिल्स एंड कटिंग बोर्ड आफ्टर दे हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद रॉ मीट और पोल्ट्री एंड बिफोर दे टच एंड अदर फूड। जब हम कोई चीज की कटिंग करते हैं कटिंग बोर्ड पे या कोई यूटेंसिल्स यूज करते हैं चीजों के लिए, तो हमें सबसे पहले तो वॉश हैंड्स, अपने हैंड वॉश करने होंगे और यूटेंसिल्स वॉश करने होंगे, उसके बाद कटिंग बोर्ड जो जिस पे हम कटिंग कर रहे हैं उसको जो है करना होगा। अब जो है जो कटिंग बोर्ड आफ्टर दे हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद रॉ मीट, अगर हम रॉ मीट को जो है कटिंग बोर्ड पे कटिंग करते हैं या पोल्ट्री को कटिंग करते हैं बिफोर दे टच एंड अदर फूड, जब हमने कोई और चीज जैसे हम घरों में सब्जी बनाते हैं तो हमने कटिंग बोर्ड पे मीट को जो है वो छोटे पीसीस में कर लिया, तो छोटे पीसीस करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर कटिंग बोर्ड को वॉश करना है, यूटेंसिल्स बाकी जो उसके लिए यूज हो रहे उनको भी हमने वॉश करना है एंड जो है अपने हैंड वो भी वॉश कर दें। और उसके बाद दूसरी चीज हम जो है फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें मीट तो नहीं चाहिए, उसके बाद हमने ऑनियंस या टमाटो कोई और चीज जो हमें चाहिए जो हमने अभी कटिंग बोर्ड पे जो है कटिंग करनी है, तो हमें कटिंग बोर्ड को हमने क्योंकि रॉ
जो है मीट को वहां कटिंग किया, तो हमें दोबारा से रीवॉश करना होगा कटिंग बोर्ड को, और रीवॉश करना होगा यूटेंसिल्स को, रीवॉश करना होगा अपनी हैंड्स को, तब हम जाके टमाटो या अनियन जो हमें दूसरी चीजें चाहिए होंगी या वेजिटेबल्स जो मीट के अंदर डालनी है उसको दोबारा से कटिंग करने के लिए हमें हर चीज जो है दोबारा से प्रिपेयर करनी पड़ेगी वॉश करके। दूसरी चीज, पुट कुक मीट ऑन अ क्लीन प्लेटर। जब कुक्ड फूड जो है उसको क्लीनर प्लेटर पे रखना है। प्लेटर मीन यूटेंसिल्स, प्लेटर मीन प्लेट, कोई बर्तन जिसमें हमने कुक्ड फूड रखना है। यूज डिफरेंट डिशेस एंड यूटेंसिल्स फॉर रॉ कुक्ड एंड फूड्स। जब भी हम जो है रॉ कुक्ड या वेजिटेबल्स या अदर फूड्स को यूज करने के लिए हमारी जो है डिफरेंट डिशेस होनी चाहिए और डिफरेंट यूटेंसिल्स होनी चाहिए। मीन के हर चीज को एक दूसरे से सेपरेट रखना है, या हमने कटिंग करनी है तो भी हमने बार बार उन चीजों को जो है वॉश करना है, अपने हैंड्स वॉश करने हैं, कटिंग बोर्ड को जो है रिपीट कोई कटिंग करनी है तो दोबारा वॉश करने के लिए करनी है। अगर कोई चीज कुक कर ली है तो उसको क्लीन प्लेटर में डाल के तो दोबारा से वो बर्तन रीयूज के लिए वॉश करके दोबारा वेजिटेबल को बॉइल करना या कुक करना, फिर उसके अंदर कोई मीट वगैरह डालना। कि इस तरीके से हमें हर चीज को सेपरेट सेपरेट रखना होगा ताकि उन सब का टेम्परेचर और सब की जो है हाइजीनिकली कंडीशन जो है नॉर्मल रह सके। और हमें अपने हैंड वॉशिंग, तो यू नो वेरी वेल अबाउट नाउ अ डेज के हमें अपने हैंड जो है वो रिपीटेडली वॉश करने हैं, बिफोर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग एंड इन बिटवीन जो है प्रिपेयरिंग द मील। चिल, इसी तरह से चिल जो है रिफ्रिजरेट जो है हमारा फ्रिज, उसमें से लेफ्ट ओवर प्रॉम्प्टली। अब फ्रिज के अंदर हमने ओवरलोड अपने फ्रिज को किया होता है तो उसमें लेफ्ट ओवर जो है कर देना चीजों को, कि जो डेड पार्टिकल्स या डेड वेजिटेबल्स या जो दो तीन दिन पहले की रखी हुई है ये आपको नजर आ रही होंगी, वो सारी वेस्टेज जो चीजें हैं वो निकाल देनी चाहिए। जैसे फ्रिज में रोजमर्रा यूज के लिए हमें अनियन भी पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ टमाटो रखे होते हैं, ग्रीन चिलीज रखी होती है और सब्ज धनिया रखा होता है, ये चीजें जो है दो तीन दिन के अंदर जो कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर और लाई रख दी चीज और पहली चीजों को निकालते नहीं है। जब 1 वीक के बाद फ्रिज की सब्जी वाला या साइड वाला जो है कैबिनेट खोलते हैं तो उसमें सारी चीजें जो है कंटेमिनेट हुई पड़ी हैं। इनको हमें 1 वीक का इंतजार नहीं करना होगा या तब का इंतजार नहीं करना होगा जब फाउल स्मेलिंग फ्रिज के अंदर से आए, हमें जो है वो साथ साथ ही जो है लेफ्ट ओवर इन चीजों को कर देना चाहिए, जो भी हमें फ्रिज के अंदर और फ्रीजर के अंदर जो भी चीजें हमें लग रहा है कि ये खराब होने को जा रही है, इनको कुछ दिन ज्यादा हो गए। तो ये मोस्टली जो है फ्रिज के खाने में ये चीजें होती हैं, तो फ्रिज के खाने में ये चीजें जो है वो डेली की डेली हमें साफ कर देनी चाहिए। सेट रिफ्रिजरेटर टेम्परेचर एट 40 डिग्री फॉरन हेड। रिफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री फॉरन हेड तक सेट करना होगा। सेट फ्रीजर टेम्परेचर एट 0 या -0 फारेनहाइट तक, जो फ्रीजर का टेम्परेचर जो है वो -0 तक हमें करना होगा। सेपरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड सो दे विल कूल मोर क्विकली। जो हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड होते हैं सो दे विल कूल मोर क्विकली, तो उनको हमें जो है मोर क्विकली कूल करना होगा, इसलिए चीजों के वेट के अकॉर्डिंगली हमें उनको अलग-अलग फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। जो चीज कम वॉल्यूम में होगी या कम वेट में होगी तो हमें उसका टेम्परेचर भी जल्दी वो फ्रीज हो जाएगी या जल्दी वो कोल्ड हो जाएगी। इसी तरह जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको कम वॉल्यूम वाली जो चीज अंदर रखी हुई है, एग्जाम्पल वेजिटेबल फ्रूट जो भी, तो उसको उस वॉल्यूम से अलग-अलग करके रखना। कोल्ड फूड शुड बी केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 41 डिग्री फारेनहाइट और बिलो। अब जो है कोल्ड जैसे फ्रीजर पे रखना है तो उसका टेम्परेचर जो है
वो माइनस में होगा. कैप्ट परचेज्ड फूड चिल अंटिल यू गेट होम फ्रॉम द स्टोर. अगर आप स्टोर से कोई चीज लेके आते हो जो फ्रीज की हुई है, तो उस फ्रीज चीज को परचेज करने के लिए चिल्ड है, वो चिल्ड है, तो आप चिल्ड में ही लेके आना है. जैसे जो है इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे हम कोई चीज फूड या कोई चीज फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लेके आते हैं, तो जो फ्रिज की आइटम्स होती है उसमें ब्लॉक्स जो है कोल्ड के पैकिंग बनी होती, वो उसके साथ लगा के लेके आना होता है. या मीट या कोई इस टाइप की चीज है जिसका हमें खतरा होगा कि जाते हुए रास्ते में इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा और ये खराब हो सकती है, तो उसको चिल्ड करके ही हमने चिल्ड ही परचेज कर दिए. यू गुड गेट फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से, ताकि घर जाते जाते वो उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा हाई होके जो हीटेड होके खराब ना हो जाए. यू नो अबाउट दैट बेटा, आपको मेरी समझ आ रही है? इसी तरह से क्लीन, क्लीन एनी आइटम दैट कम इनटू कांटेक्ट विद फ्रेश फूड, नाइफ, कटिंग बोर्ड, हैंड्स, जिसकी एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी आइटम कम टू कॉन्टेक्ट विद फ्रेश फूड, जो भी फ्रेश फूड, अनियन आपके सामने एग्जाम्पल पड़ी, इसी तरह जो है सब्ज जो है ग्रीन वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो इसकी एग्जाम्पल दी है कि जब भी आपने कोई चीज कॉन्टेक्ट में करनी है तो आपने रीवॉश करना है कटिंग बोर्ड को, रीवॉश करना है यूटेंसिल्स को जिनमें आप ये यूज कर रहे हैं या रखनी है, और रीवॉश करना है जो अपने हैंड्स को, और बाकी चीजें जो यूज में आ रही हैं वो कटिंग बोर्ड, नाइव्स एंड हैंड्स है, जिनको आप लोगों ने बार बार हर चीज वॉश करने के बाद जो है रीवॉश करना, कटिंग बोर्ड को भी, नाइफ को भी, अपने हैंड्स को भी, और वो यूटेंसिल जो इसके अलावा यूज हो रहे हैं. थैंक यू सो मच हीरा जफर एंड मोहम्मद साकी प्रयास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अलीजा शौकत को भी मेरी आवाज आ रही है, और निदा को भी, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट है वॉश प्रोड्यूस अंडर रनिंग वाटर. जो भी ये प्रोसीजर जो हमने वॉश करने का करना है उसको हमने रनिंग वाटर के अंदर करना है. फॉर एग्जांपल हमारा जो वॉश बेसन है किचन का, यहाँ भी जहाँ भी हम चीजों को यूज कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे रनिंग वाटर हो, वो पानी की टूटी को खुला पानी के नीचे वॉश करना होगा. रिमूव एंड डिस्कार्ड आउटर लीव्स फ्रॉम दी लेटस और कैबेजेस. अब इन दो चीजों की तो एग्जाम्पल दी है ना, अगर एक चीज का नेम लिख दिया हो तो उस चीज पे स्टिल नहीं हो जाना कि इसी चीज को हमने जो है वो उसके लीव्स डिस्कार्ड करने हैं. कुछ चीजें जैसे कैबेज की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, या जो है कोई अदर वेजिटेबल्स या अदर फ्रूट्स लाइक चीज है, तो उसके लेटस मीन बी वेजिटेबल्स की टाइप, काइंड ऑफ वेजिटेबल्स या लीव्स, तो उनके जो लीव्स हैं वो डिस्कार्ड कर देना. जैसे उसकी मैं उर्दू में बताऊं कि एक कॉलीफ्लावर्स होती है और एक कैबेज होती है, कॉलीफ्लावर और कैबेज के जो लीव्स बाहर वाले उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर वो अंदर वाले जो है उनको हम जो है कटिंग बोर्ड पे कटिंग करके यूज करते हैं. इस तरह से जो है जिनकी लीव्स इस तरह के हैं जो जिनके अंदर से हम यूज करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर या कैबेज, बंद गोभी वगैरह, तो उसके बाहर वाले लीव्स जो है उसको हम डिस्कार्ड करके फिर यूज करते हैं. एनी अदर वेजिटेबल्स और फ्रूट जिसके इस तरह के जो है लीव्स होंगे उसको हमने डिस्कार्ड करना फिर यूज करना होगा. फिर वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग फूड, बिटवीन टाइप्स ऑफ फूड एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड. जब भी हमने फूड को प्रिपेयर करना, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर जो है हैंड वॉशिंग करते जाना है. द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज इज टू वॉश योर हैंड्स. अब जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके ऊपर हर जो है रिलीजियस के पीपल और हर जो है डिजीज से बचने के लिए और एनी जो है काइंड ऑफ मील को प्रिपेयर करने के लिए
फोकस किया जाता है हमारे पेशेंट को बिफोर आफ्टर जो है चेक करने के लिए फोकस किया जाता है कि बिफोर एंड आफ्टर वॉश योर हैंड्स। और ये वॉश योर हैंड्स जो है हैंड को वॉश करने से 35% रेट ऑफ डिजीज जो है वो लेस होता है, उसके रिस्क कम होता है। अगर हम 35% रिस्क हमारे डिजीजेस को कम करने के ओनली हैंड वॉशिंग पे है, तो क्यों हम हैंड वॉशिंग जो है वो बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर, चाहे वो फूड का है, चाहे वो पेशेंट को चेक करने का, या एनी अदर वर्क जो हम अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम 35% रेट या रेशो जो है वो डिजीजेस की ओनली हैंड वॉशिंग से काम कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ हम कटिंग बोर्ड, वेजिटेबल, मीट और रॉ मटेरियल को वॉश करने या सेपरेट करने से, या जो एक्स्ट्रा जो लीव्स वगैरह डिस्कार्ड करने से 30% जो है रेट और भी हम कम कर देते हैं, तो फिर हम जब प्रिपेयर्ड मील होगा तो वो हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल होगा, वो उसमें कोई कंटेमिनेशन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गुंजाइश होगी ही नहीं। दी ये भी हो गया, रेगुलरली क्लीन एंड डिस इन्फेक्ट दी रिफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। अब रिफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर जो है दो चीज़ें होती हैं, इसमें दोनों का टेम्परेचर जो है एक का माइनस पे है और एक का 40 और 41 में है रिफ्रिजरेटर का, तो इनको हमने डिसइनफेक्ट नहीं होने देना, इसको हमने जो है इसको हमने कंटेमिनेशन चीज़ें जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी इससे पहली स्लाइड में बताया कि हमने डेली जो है डिस्कार्डेड चीज़ें जो है डिस्कार्ड कर देनी है, जो डैमेज चीज़ें हैं वो हमने निकाल देनी है फ्रिज और रिफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर दोनों चीज़ों से, ताकि हमें ये कोई रिस्क ही ना रहे। और दूसरी चीज़ क्लीन एंड डिसइनफेक्ट काउंटर टॉप रेगुलरली, जो हमें डिसइनफेक्ट करना है और काउंटर टॉप्स जो है चीज़ों को हमने डिसइनफेक्ट करना। काउंटर टॉप्स क्या है, जो हम किचन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, काउंटर टॉप्स में आ जाता है किचन में जो जहाँ जहाँ हमने चीज़ रखनी है, फॉर एग्जाम्पल शेल्फ, शेल्फ के ऊपर हमने जो है कटिंग बोर्ड और सारी चीज़ें बिफोर एंड आफ्टर कटिंग जो रखनी है, दैट इज़ द काउंटर टॉप, उसको हमने सही तरीके से साफ करना है रेगुलरली और दिन में कई कई बार, हर चीज़ को कटिंग रखने के बाद और बिफोर आफ्टर यूजिंग के बाद आपने उसको काउंटर टॉप जो है वो साफ कर दें, मीन के शेल्फ या वहाँ पे कोई टेबल पड़ा हुआ है जिसको हम यूज़ करें, या वो एरिया जिस पे हमारे यूटेंसिल पड़े होते हैं और वॉशिंग एरिया है हमारा किचन का, मीन के हमने अपने किचन के काउंटर टॉप्स एरिया को रेगुलरली जो है डिसइनफेक्ट करना है, ताकि वहाँ पे कोई ऑर्डर, वहाँ के पे कोई कंटेमिनेटेड चीज़, या वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वहाँ पे कोई अगर रोडेंट का वहाँ से गुजर हुआ तो उनकी कंटेमिनेशन या उनके कोई फीसिस यूरिनेशन ना हो, इसलिए इन चीज़ों को हमें डिसइनफेक्ट रखना है रेगुलरली, कई बार हमें यूज़ करना होता है और वॉश करना होता है किचन की इन काउंटर टॉप्स एरियाज को। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फूड बॉर्न इलनेस टू योर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट। अब अगर फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है, कुछ भी जो है फूड पॉइजनिंग में से आपको लग रहा है कि फूड के खाने के बाद जो है वो कोई इलनेस हो गई है, अब उन इलनेस में जो है डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कुछ भी आप लोगों को लगे कि ये हो गया तो आपने क्या करना है, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को फौरन रिपोर्ट करनी है। अब लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट कौन सा होगा, मुझे रिटर्न में ज़रा बताएं कि लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट कौन सा होगा, मैंने आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में ये बताया हुआ है, ठीक है।
अब लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को आपने रिपोर्ट करनी है और फौरन लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट इस डायरिया डिसेंट्री वॉमिटिंग को फौरन मैनेज करेगा जो भी फूड से इलनेस हुई है। अगर जो है सीरियस इलनेस हो गई है तो लोकल डिपार्टमेंट जो है लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल हमारा वो फिर हमें जो है आगे DHQ में जो है DHQ में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम इन टाइम नहीं जाएंगे यही कह दिया जाएगा कि कोई बात नहीं डायरिया डिसेंट्री है या वॉमिटिंग है तो ठीक हो जाएगा। और डायरिया डिसेंट्री या वॉमिटिंग जब हो जाते हैं तो उसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। डायरिया डिसेंट्री एक खुद से इन्फेक्शन था, डिहाइड्रेशन उससे ज्यादा जो है लाइफ थ्रेटनिंग जो है डिजीज समझे के हो गई है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो है वो हम जो है बीपी लेस पल्स लेस और फेंटिंग की तरफ चले जाते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, वेरी गुड, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सेंटर का नेम लिखो जरा सना कमल, प्राइमरी आपने सही मुझे रिपोर्ट किया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा, जरा प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर का नेम तो लिखें कि जहां आप लोगों ने स्टार्ट में जाके रिपोर्ट करनी है। जी, वॉश योर हैंड को रिपीटेडली जो है वो हम जो है फोकस कर रहे हैं कि हर काम करने से बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर जो है वॉश योर हैंड्स करने हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग फूड तब हमने हैंड वॉश करने हैं, आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम ये मस्ट है कि आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम जो है वो आप लोगों ने हैंड वॉश करने हैं। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक टॉयलेट डोर नॉब्स, अब अगर पब्लिक टॉयलेट डोर नॉब्स को आपने यूज किया है तो आपने जो है तब भी हैंड वॉश करने, यूज पेपर टॉवल टू ओपन द डोर। अब डोर नॉब जो यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आजकल तो इसका बहुत पैनिक है, यहाँ तो पब्लिक टॉयलेट लिखा है, हमने कोई किसी भी डोर को ओपन करना है तो हमें पेपर टॉवल यूज करना होगा, हमें डायरेक्ट हैंड से जो है डोर नॉब को हैंड नहीं लगाना होगा, पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर जो है वो अपने हाथ को लगा के फिर हमने डोर को ओपन करना है। अब इसमें ये आपको चीज बताती चलूं कि आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, मैंने ये चीज आपको पहले भी दो तीन दफा क्लियर की थी। जी हीरा जफर, वेरी गुड, बी बेसिक हेल्थ यूनिट एंड RHCC में आप लोगों ने रिपोर्ट करनी है अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड ले लिया और उससे कोई इलनेस सिकनेस हो गई है तो फौरन आपको जो है रूरल हेल्थ सेंटर में जाना होगा या बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना होगा। BHQ नहीं है, BHU है निमरा, BHQ नहीं है, BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना होगा। जी यहाँ बात हो रही थी कि यूजिंग द बाथरूम, अब वॉशरूम को जो बंदा यूज करके आ जाता है मे बी उसको डायरिया है, डिसेंट्री है, एनी अदर डिजीज है, तो वो उस वॉशरूम से, मैंने ओरोफिकल रूट की डिजीज भी आपको बताई थी कि ओरोफिकल रूट जो है वो वॉशरूम से ही लगती हैं। अब ओरोफिकल रूट्स में जो है टाइफाइड फीवर भी आता है और इसमें जो है और भी काफ़ी सारी डिजीज आती हैं। अब ओरोफिकल रूट से बचने के लिए हमें बाकी डिजीज से बचने के लिए जब वॉशरूम से आते हैं तो खुदारा वॉशरूम की जो टूटी है जिसको आप लोगों ने यूज किया है आते वक्त जब अपने हैंड वॉश किए हैं तो अपने सोप से उस टूटी को भी वॉश कर दें ताकि दूसरे आने वाले उस टूटी को यूज करेंगे तो वो टूटी के साथ लगे हुए जरासीम आने वालों के हैंड्स को लग जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा और वो वही हैंड्स जो यूज करेंगे। इसी तरह से वॉशरूम की टूटी को यूज करने के लिए वॉश बेसन जो है उसकी टूटी को जब आप लोगों ने हाथ लगाया, आप लोगों ने अपने हैंड वॉश किया और चले गए, बट वो वॉश बेसन जिसको आपने यूज किया आफ्टर टॉयलेट या आफ्टर एनी जो है वॉशरूम या जो है बाथिंग के बाद आके तो हमने लगे जरासीम जो हमारे हाथों पे थे उस वॉशरूम की टूटी को भी लगा दिया और अपने हैंड वॉश करके चलते बने,
तो हमें अपने हैंड वॉश करने के साथ साथ ये आपने पब्लिसिटी करनी है इस चीजों की। जब आप हैंड वॉश करते हो तो अपने वॉशरूम की टूटी और स्पेशल वॉश बेसन जो बाहर यूज करते हो उसकी टूटी, और जो आपका किचन का जो बेसन है जिस पे आप बर्तन धो रहे हैं उसकी टूटी, ये सारी टूटियों को डेली आपने स्क्रब करना है। डेली आपने इन टूटियों को सोप से वॉश करने के बाद, जैसे आजकल हम पैनिक में थे और हम लोग जो है लॉकडाउन थे, तो मैंने सब घर वालों के सोप भी अलहदा किए हुए हैं अभी तक, और सब के जो है वॉशरूम भी अलहदा किए हुए हैं। अगर कभी एक दूसरे का वॉशरूम कोई यूज कर लेता है, ऊपर नहीं जाया जाता, तो क्या करते हैं, तो सब एक वॉशरूम में टूटियां धोते हैं, और उसकी जो हमारे सिंक की टूटियां हैं उसको वॉश करते हैं। उसके बाद हम जो है जो सैनिटाइजर सैनिटाइजर के से हम जब हाथों को सैनिटाइज करते हैं, तो हम सारी टूटियों को जाके पहले सैनिटाइज करके आते हैं। ये चीजें जो है रोजमर्रा जिंदगी में मैंने अपने घर में सबको सिखाई हुई थी, इसके बावजूद भी पॉजिटिव आ गया। तो आप लोग खुदारा अपने आप को भी इसी तरह यूज करो, और अपने घर वालों को इसी तरह टीच करो, और अपने इर्द गिर्द नेबरिंग में या आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं उनको इसी तरह से टीच करें, ताकि आपको जो है हैंड वॉशिंग से 30% जो है डिजीज का रिस्क कम हो, और दूसरा जो फीको ओरल या ओरल फीकल रूट जो है उनसे जो डिजीजेस होनी है और एनी अदर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो वॉशरूम के हमारे जो है अब थोड़ा सा सेंसिटिव है कि हमें जो है जेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं और पता भी नहीं होता। वो जेनिटल इन्फेक्शंस जो है वो एक से दूसरे को इन टूटियों की वजह से हम लगा देते हैं। जब हम हैंड वॉश करेंगे और इन टूटियों को रिपीटेडली वॉश करेंगे, तो ये हम अपने घर या किसी और को ये डिजीज नहीं देने जाएंगे। तो ये सारे इन्फेक्शन से हम सिर्फ जो है हैंड वॉशिंग और अपने वॉशरूम और अपने सिंक की जो है टूटियां यूज होती उनको वॉश करने से हम बच सकते हैं। यूज वार्म सोपी रनिंग वाटर, हमने जो है वार्म वाटर यूज करना, सोप यूज करना है वो हैंड वॉश करने के लिए, या ये चीजें यूटेंसिल्स इनको यूज करने के लिए। इसकी एग्जांपल जो है, मैं जब किचन में जो है चीजें पका रही होती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दो तेज के पानी के भर के जो है बॉइल करती हूँ। एक को मैं किचन के जो वॉशरूम जहाँ मैं यूटेंसिल वॉश करती हूँ उसके जो है सिंक में और उसके एरिया में है उबलता हुआ पानी डालती हूँ, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह भी गए हैं तो वहां से वो साफ हो जाए, सारे एरिया के ऊपर ऊपर उबलता पानी डालती हूँ। दूसरा मैं क्या करती हूँ, बाइल करके एक देचकी में पानी, तो वो मैं बाहर के सिंक टूटियां और वॉशरूम में डाल के आती हूँ डेली। ये मेरी पहले भी रूटीन थी, तो अब मेरी रूटीन जो है वो और भी मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपने वार्म वाटर और रनिंग वाटर और सोप वाटर को यूज करना है। रब योर हैंड्स थोरोली, स्क्रबिंग बिटवीन फिंगर्स एंड नेल्स फॉर 10 to 15 seconds। अब 10 to 15 seconds तक जो है अपने नेल्स और अपने फिंगर्स जो है उनको स्क्रब करना है। अब उनको स्क्रब करने के लिए हैंड वॉशिंग टेक्निक जो है वो आप FOM की बुक से निकाल के भी देख सकते हो, एंड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स जो है वो आप नेट से निकाल के देखना है कि आपने जो है हैंड्स को स्क्रब करने के लिए, हैंड को वॉश करने के लिए 10 to 15 seconds जो है जो नॉर्मल मेथड्स है उसको कैसे यूज करना। अब नॉर्मल मेथड्स को मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको ये हैंड वॉशिंग टेक्निक्स करके दिखाती। तो कैमरा ऑन करने की मेरी रीजन ये है कि मैं घर में हूं और मैं जो है जैसे किचन में काम कर रही होती हूँ या घर का काम कर रही होती हूँ, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को लेक्चर प्रेजेंट करना शुरू कर देती हूँ। तो इसीलिए जो है मैं कैमरा ऑन नहीं करती, तो कि आप लोग मुझे देखो ना कि मैडम घर में किस हालात में है, मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया होता घर में। ठीक है, हैंड वॉश टेक्निक तो श्योर मी कि आप लोगों को
आई एम श्योर कि आप लोगों को हैंड वॉशिंग टेक्निक आती होगी, ये आप FOM की बुक से स्टेप निकाल के देख लीजिए। जी अलीजा पूछ रही है, मैम आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जी मेरी टेस्ट रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ चुकी है, बट मैंने अपने बच्चों की जो है टेस्ट रिपोर्ट करवाई हुई है, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा, तो दुआ करें कि वो भी नेगेटिव आ जाए। जी हैंड वॉश की टेक्निक थी, उसके बाद जो है कुछ चीजें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू एंड डोंट्स, कुछ चीजों को हमने करना है और कुछ चीजों को हमने नहीं करना है, ठीक है। डूस डूस एंड डोंट्स, डूस करना क्या है हमने, डू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। जी डूज करना हमने क्या है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, कि बिफोर एंड आफ्टर जो है वो हमने हैंड वॉश करने हैं, प्रिपेयरिंग द फूड। दूसरी बात जो हमने करनी है, डू राइंस फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल विद कोल्ड वाटर, जो भी हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स यूज करनी है उसको यूज करने के बाद पहले हमने कोल्ड फ्रेश वाटर में, टैप वाटर मीन कोल्ड वाटर मीन के टैप वाटर में आप लोगों ने उनको वॉश करना है अच्छे तरीके से। डू रिफ्रिजरेट एट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री फारेनहाइट और लेस, तो जो रिफ्रिजरेट है उसका टेम्परेचर आप लोगों ने 40 डिग्री फारेनहाइट तक रखना होगा। डू थ्रो अवे आइटम दैट हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट विद रॉ मीट और केमिकल्स, कुछ चीजें जिनका कॉन्टैक्ट जो है रॉ मीट और केमिकल्स के साथ हो सकता है उनको अवे फ्रॉम दीज जो है मटेरियल्स या दीज जो है रॉ मटेरियल्स, दीज रॉ मीट्स जो है उससे दूर रखता है। फॉर एग्जाम्पल मीट, रॉ मीट से हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स को दूर रखना है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से दे दिए अपनी लास्ट कुछ स्लाइड्स में। तो डोंट्स हमें क्या नहीं करना होगा, डू नॉट प्रिपेयर फूड फॉर अदर्स इफ यू योर सेल्फ हैव डायरिया, अगर आपको या किसी को डायरिया है तो दूसरों के लिए उसको फूड प्रिपेयर नहीं करना होगा, क्योंकि डायरिया जो है वो ऐसी डिजीज है कि जिसमें हमें इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे जो मैंने आपको डायरिया में बताया था कि रिंग वॉर्म, टैप वॉर्म, थंब वॉर्म, पिन वॉर्म जो है हमारी डायरियल डिजीज पे होते हैं, और ये जो समटाइम्स जो हैं ये इतने स्मॉल साइज में होते हैं कि इनके पोर्स जो है वो हमें नज़र नहीं आते और हमारे हाथों पे लगे रह जाते हैं और हमारे हाथों पे, और ये जो ये भी एक किस्म की कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर इसमें से किसी को इस तरह की डिजीज हो जाती है तो पूरे घर को ये डिजीज होने का खतरा होता है। तो एक दूसरे से अलग अलग सोप और एक दूसरे से अलग अलग यूटेंसिल्स तब भी रखने चाहिए। तो इसलिए जो है, जैसे जो है किसी को वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसके लिए पूरे घर वालों को डी वॉर्म करना पड़ता है। ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई बेटा? तो अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, वॉर्म की डिजीज, तो वो पूरे घर वालों को डी वॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्रेड वॉर्म लाइक जो है किसी बच्चे के जो स्टूल में निकलते हैं या किसी बड़े के स्टूल में निकलते हैं, तो उसको अकेले को डी वॉर्म नहीं करना होता, उसके लिए पूरे घर को डी वॉर्म करना पड़ता है, तब जाके जान छूटती है। अदरवाइज जिसको डी वॉर्म किया वो तो डी वॉर्म हो जाएगा, उसके साथ दूसरे घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आती है। तो इसीलिए अगर इस तरह की डिजीज है तो फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करना दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाए, उसके लिए जो है प्रीकॉशंस करनी है, अलहदा सोप, अलहदा जो है हैंड वॉशिंग और अलहदा सिंक्स, अलहदा यूटेंसिल्स। डू नॉट यूज ब्लीच और सोप ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स को यूज करने के लिए जो है सोप जो है वो सोप और ब्लीच का यूज नहीं करना होता।
तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जो फ्रूट्स जो सेलर है ना, फ्रूट सेल कर रहे होते हैं, मैंने खुद से देखा, उन्होंने बाल्टी में सर्फ डाल के तो उसको फ्रूट को उस पे वॉश कर रहे होते हैं। उसमें वॉश किस लिए कर रहे होते हैं कि उसकी चमक ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये चीजें वो क्या कर रहे हैं, या ब्लीच डालते हैं, जैसे वो अदरक है, अदरक को वॉश करते हैं तो उन्होंने ब्लीच लास्ट भी डालना होता है, उससे अदरक का जो है कलर वो चमक जाता है। और सुना है कि ब्लीच जो है वो डाल के अदरक को वॉश करें तो वो काफी दिनों तक खराब नहीं होता और उसका कलर नॉर्मल रहता है। ये चीजें जब हम पब्लिसिटी करेंगे, लोगों को पता होगा, तो वो इस तरह से नहीं करेंगे। नॉर्मली तो हम घरों में इस तरह की जो है चीज नहीं करते, बट वो लोग जो ये चीजें सेल कर रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स, वो इन चीजों का यूज कर लेते हैं। उनको भी जो है एजुकेट करना किसका काम है, हमारा ही काम है, हेल्थ जो प्रोवाइडर्स है। तो ये चीजें उनको जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स वाले जिनके साथ आपके कभी लिंकेजेस है या सेल करते हैं, उनको थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हो। डू नॉट ईट फ्रेश कट आइटम्स लेफ्टन रिफ्रिजरेटेड फॉर मोर देन 2 आवर्स। अगर हमने कोई चीज कट करके फ्रिज के अंदर रख दी है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट हम खा रहे हैं कटिंग करके और वो बच जाता है, तो हम कह देते हैं इसको रीयूज के लिए जो है फ्रिज में रखते हैं, दोबारा खा लेंगे। तो उसको मोर देन 2 आवर्स हमने रिफ्रिजरेटर में नहीं रखना होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ठीक है। डू नॉट ईट ब्रूस्ट और डैमेज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। डैमेज मीन के जिसको कोई ब्रूस्ट मीन जिसपे पैचेस लगे होते हैं, जिसपे जैसे कोई रैश, कोई पैच, उसका कलर चेंज हो गया है फ्रूट का या वेजिटेबल का, उसको हमने यूज नहीं करना। या कोई डैमेज है, समटाइम हमारे क्या करते हैं, फूड जो है या कोई फ्रूट है उसको जब हम काटते हैं तो वो एक साइड से डैमेज होता है। समटाइम हम उसमें ये भी देखते हैं कि उसमें कीड़े नजर आ रहे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो साइड काटते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा फूड और ऐसा वेजिटेबल जिसपे ब्रूसिस है या उस वो डैमेज हुआ है उसका कोई पार्ट, तो इट मीन्स कि वो पूरा जो है उसके ब्लड स्ट्रीम में कह लें कि पूरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जो है वो चले गए हैं, वो सारा हमारे लिए कंटेमिनेटेड फ्रूट और वेजिटेबल होगी, उसको हमें यूज नहीं करना होगा। लिक्विड डिटॉल भी, यस, लिक्विड डिटॉल से भी जो है वॉश कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब ये था मेरा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उनको हमने डूस और एंड डू नॉट, कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी। बेटा जो मैं आप लोगों को चीज पढ़ा रही हूँ, इसमें से मोस्टली चीजें आपको बुक से भी नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को रिपीटेडली बताती रहती हूँ कि आपकी जो मैं नोट्स तैयार करती हूँ वो आपकी बुक के अंदर से होता है, और बहुत सारी चीजें जो है मैंने दूसरी बुक्स और कुछ नेट से जो है वो लेके उसके उसके साथ रेलिवेंट जो चीजें वो उसके साथ मटेरियल लगाया होता है, ताकि आप लोगों को हेल्दी मटेरियल जो है रीड करने के लिए, खाने के लिए नहीं, रीड करने के लिए हेल्दी मटेरियल्स मेरी स्लाइड के अंदर से मिल सके। जी, असेंबल अ टीम, एवरीवन हैज अ रोल इन द सेफ्टी ऑफ फूड। सेफ्टी और फूड के लिए एवरीवन जो है उसका रोल है कि हर कोई अपना रोल अदा करे कि हमने फूड को है प्रिजर्व कैसे करना और उसको हेल्दी फूड कैसे बनाना है कि हमारी हेल्थ को जो है इलनेस या डिजीज ना करें। अब उसमें सबसे पहला रोल जो है वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका है, कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर में जब हम कैंटीन से बच्चे जो है समोसे पकोड़े या नान टिक्की खा रहे होते हैं, तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो उस कैंटीन को चेक करें कि वो किस तरह का मटेरियल और कंटेमिनेटेड फूड तो यूज़ नहीं करते, जिसमें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे जो है
वो जब समोसे खोलते हैं तो उसके अंदर से कभी मक्खी और कभी सुंडियां टाइप जो है निकलते हैं। दैट मीन्स के दैट फूड आर दैट फेवरेबल फॉर ईटिंग और दैट इज द कंटेमिनेटेड फूड एंड बिकमिंग द इलनेस या सिकनेस फॉर द चिल्ड्रन। और दूसरी चीज जो है टीम लीडर, अगर कोई बंदा लीड कर रहा है तो टीम लीडर। अब स्कूल में टीम लीडर कौन होगा? टीम लीडर जो है वो क्लास एडवाइजर होगी। ठीक है, क्लास क्लास एडवाइजर स्कूल की ही, मैं यहाँ भी टीम लीडर की एग्जांपल भी मैं स्कूल की ही दे देती हूँ, या तो वो क्लास एडवाइजर होगी या फिर कोऑर्डिनेटर होगी या फिर सीआर भी आ सकता है छोटे पैमाने पे अपनी क्लास के लिए। ठीक हो गया। अब इनमें अगर कोई चीजें जो है उनको कंटेमिनेटेड वाटर जो हमारे लगे हुए हैं टैंक वाटर के, वहां पे कंटेमिनेटेड वाटर है, तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो सीनियर को, आप अपने टीचर्स को, आप अपनी प्रिंसिपल को, कि पीने का पानी जो है वो नॉर्मल नहीं है, उस कैंटीन में अगर फूड अच्छा नहीं आ रहा तो आप रिपोर्ट कर सकते हो सीनियर्स को कि वहाँ जो है फूड अच्छा नहीं है। टीम लीडर मीन के जहाँ भी कोई लीडर है अपने इंस्टीट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंगली जो भी लीडर है उसको अपना रोल अदा करना होगा। फूड जो है फूड सर्विसेज स्टाफ, फूड सर्विसेज स्टाफ जो है उसको, जैसे जो है जिन्होंने सर्व करना है फूड को। अब अगर हम घर में देखें तो घर में फूड सर्व करने के लिए मदर या सिस्टर्स होती है, उनको अच्छे तरीके से फूड की सर्विस, जैसे मैंने ए टू जी आपको बताया कि उसके कटिंग बोर्ड, उसके हैंड वॉशिंग और जो है शेल्फ, ईच एंड एवरीथिंग और यूटेंसिल्स जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके फिर फूड को सर्व करना है। ये ना हो कि प्रिपेयर्ड फूड तो अच्छा है, यूटेंसिल्स या हैंड वॉशिंग जो है टेक्निक्स में हमें कहीं गलती हो गई है तो वहां से हम फूड को कंटेमिनेट करके दूसरों को सर्व कर रहे हैं। दूसरा जो है होटल्स में या जो है फूड पॉइंट, फूड कॉर्नर्स जो है वहां पे जो सर्व कर रहे हैं फूड को, उनको जो है एजुकेट करना जरूरी है कि वो फूड को सर्व करने के लिए पहले अपने आप हैंड वॉश करें, यूटेंसिल्स वॉश करें, फिर जो है प्रिपेयर फूड को है सर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है स्कूल नर्सिस। अब स्कूल नर्सिस जो है वो हमारे पाकिस्तान में तो स्कूल नर्सिस नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे जो है स्कूल नर्सिस होती हैं, उनको भी अपना रोल अदा करना होता है, वो फूड को चेक करके बच्चों को देती हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हमारी स्कूल नर्सिस नहीं है तो स्कूल नर्सिस जो है वो कंटीन वालों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को स्कूल नर्सिस बनना होगा। हेल्थ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, अब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको भी अपना रोल अदा करना होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह मैंने कहा कि इसकी इसको एजुकेट करना, इसकी एडवर्टीज जो है वो देनी है, वो किसका काम है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो है पहले अपने हेल्थ के अंडर जितने भी हैं उनको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स और हेल्थ विजिटर्स जितने हैं उनको ये सारी टेक्निक्स बताई जाए, और जो है एडवर्टीज जो है वो न्यूज़पेपर्स में और मीडिया पे जो है एडवर्टीज इन चीज़ों की दी जाए ताकि लोगों को इसका नॉलेज हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हम फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं और आए रोज़ जो है हमारे डायरिया, वॉमिटिंग, इलनेस, सिकनेस, ये डिजीज़ होती हैं और वो जो है वो ना हो। कोऑपरेटिव एक्सटेंशंस में बहुत सारे जो है कोऑपरेटिव एक्सटेंशंस आ सकते हैं, जिसमें जो है फूड सप्लाई करने वाले, फूड सप्लाई करने वाले, मीट सप्लाई करने वाले, अदर यूटेंसिल्स सप्लाई करने वाले, होटल्स में काम करने वाले और वहाँ पे जितने भी सप्लायर्स हैं, ये आपको मेरी पिक में जो है ये आपको जो है सप्लायर्स नज़र आ रहा है कि कोऑपरेटिव जो है एक्सटेंशंस वो क्या है। जहाँ से जैसे कहीं फूड कॉर्नर्स पे फूड प्रिपेयर हो रहा है तो वहाँ से मीट कोई लेके आ रहा होता है और बाकी जो है वेजिटेबल्स कोई लेके आ रहा होता है, बाकी चीज़ें कोई प्रिपेयर कर रहा होता है, ये सारे जो है
कोऑपरेटिव पर्सन्स हैं, इन सारे कोऑपरेटिव पर्सन्स उन्होंने जैसे पोल्ट्री से वो लेके आ रहा है, अब पोल्ट्री से जो वो जो है गोश्त लेके आता है ब्रायलर हमारे लिए, तो वो कोऑपरेटिव पर्सन होगा तो हमें हेल्दी ब्रायलर ला के देगा। हमें क्या पता वो ब्रायलर का मीट जो हमारे लिए लेके आया है वो जिंदा का है या मुर्दा का है। तो ये भी लाहौर में एक बहुत ज्यादा, लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में है कि ये ब्रायलर भी दो तीन किस्म के जो है वो सेल हो रहे हैं। उसमें एक जो है वो बिल्कुल मुर्दा ब्रायलर है जिस जो बहुत लेस कीमत पे यूज किया जा रहा है, उसका गोश्त बाहर से बनवा के वो 30 रुपीज 15 रुपीज पर केजी जो है वो सेल हो रहा है। तो वो बाहर से हमारे जो कोऑपरेटिव पर्सन्स है वो ला के दे रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि वो उन्होंने कौन सा ला के वहाँ फूड कॉर्नर पे दिया। फूड कॉर्नर वाले उनके साथ इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने उसको यूज कर लिया। अगर इस बाकी भी इसी तरह वेजिटेबल आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम में फ्रूट जो यूज किया होता है वो जो है कंटेमिनेटेड फूड होता है, वहाँ जो कंटेमिनेटेड फ्रूट होता है, जो फ्रूट वहाँ पड़ा होता है जहाँ पे वो आइसक्रीम तैयार होती है, जैसे चमन आइसक्रीम आप जाके जो है 350-450 का एक कप खाते हो, अगर आप चमन आइसक्रीम बनती देख लो जहाँ पे वो बन रही है उनके ऊपर स्टोर में, तो वहाँ चूहे नाच रहे होते हैं और उनके फ्रूट इतने गंदे होते हैं जिसको वो सजा सजू के हमें 400 रुपए का कप दे देते हैं। तो ये है हमारे जो है कोऑपरेटिव पर्सन, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोऑपरेटिव पर्सन या एक्सटेंशन जो हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हमें हेल्दी फूड जो है अवेलेबल हो सकते हैं, अदरवाइज हम इनके रहमो करम पे चलते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमें डिजीज आई कहाँ से है। फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स, इसमें फैमिलीज का रोल तो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि फैमिलीज का रोल भी है कि अगर जैसे आप लोगों को मैं एजुकेट कर रही हूँ, आप लोगों को मैं जो है रिटन मटेरियल भी दे रही हूँ, आपको मैं ओरल एजुकेट भी कर रही हूँ, आपको मैं बुक का लिंक भी बताती जा रही होती हूँ, तो ये चीज़ें जब आपके पास आ गई हैं तो आपका काम है अपनी फैमिली को एजुकेट करें, आपके अंडर जितने स्टूडेंट हैं उनको एजुकेट करें और ये फैमिलीज आगे दूसरी फैमिलीज को एजुकेट करें ताकि इन डिजीज़ से हम बच सकें। और टीचर्स का तो रोल है जो मैंने बार बार बता दिया कि टीचर्स का रोल ये भी है कि टीचर जो है, आप तो बेटा बड़े हो आपको तो समझ आ जाती है चीज़ों की, बट जो स्कूल्स के हमारे बच्चे हैं 1-2-3 के, टीचर्स का रोल है कि जो जब वो टीच कर रही होती है उनको बिफोर और आफ्टर जो है एथिकली जो है थोड़ा सा लेक्चर दे दे और उनको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दे कि उनके लिए हैंड वॉशिंग जो है वो यूज़ क्यों करने हैं उनको। अब हैंड वॉशिंग टेक्निक्स तो बार बार हर बंदा हर कोई बता रहा है, अब हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बेनिफिट भी उनको बताने चाहिए और हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के जिस तरह मैंने जो है ओरो फीको ओरल रूट और ओरो फीकल रूट और इसमें डिजीजेस मैंने बताया कि क्या क्या हो सकती हैं, जब ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे इनकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स जो है वो उसका रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलेगा। हमारे लोगों को जब उन चीज़ों की अवेयरनेस होगी कि हैंड वॉशिंग टेक्निक ज़रूरी क्यों है, इस अगर हम हैंड वॉशिंग नहीं करते, अपने यूटेंसिल्स यूज नहीं करते, हम अपनी फ्रिज को जो है साफ नहीं करते, तो कौन कौन सी डिजीज एक बंदे को लग सकती है और उस एक बंदे से दूसरों में कैसे ट्रांसफर हो सकती है। जब हम इन चीज़ों को एजुकेट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो हेल्दी होगी। अब जो हमारा टॉपिक ही ऐसा है जिसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो है फूड फ्रूट वेजिटेबल्स और वेस्ट मटेरियल एयर वेंटिलेशन हाउसिंग कंडीशन ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें आ रही है, आगे हमारे रेफरेंसेस आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताती चलूं कि दोनों लेक्चर ये मेरे हैं, दरमियान में गनीउल्लाह का लेक्चर माइक्रो और बायोलॉजी
माइक्रो का था, और गनीउल्लाह अब मेरा लेक्चर 2 से 3 वाला लेगा। ये लेक्चर मैं दोनों कंटिन्यू कर रही हूँ, हमारा 1 घंटा हो गया। अब आप 12:20 पे वापस आ जाना, ठीक है? टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद हम दूसरी स्लाइड, ये जो है हमारा लेक्चर आज का खत्म हो गया, और दूसरी स्लाइड में अपलोड करवाती हूँ। दूसरी स्लाइड मैंने सेंड कर दिए, एयर एंड वेंटिलेशन। एयर एंड वेंटिलेशन को जो है हम, मैंने जो है आपके अपलोड कर दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ब्रेक ले लें, ओके।
जी अब आवाज आ रही है? लेक्चर लोड हो रहा था इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है मेरी? निशा मेरी आवाज आ रही है आप? जी अभी जो लेक्चर में डिलीवर कर रही थी इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर, वो सब यूनिट 4 था, वो सब यूनिट डी था। हम ए बी सी और डी सब यूनिट्स पढ़ चुके। आज इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो हमारा सब यूनिट आ रहा है वो लास्ट वन है, ई है। ठीक है, सब यूनिट ई यानी 5 हमारा ये लास्ट यूनिट होगा इन्वायरमेंटल हेल्थ का, जिसका नेम है वेंटिलेशन एंड हाउसिंग। आज हम लास्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ का, वेंटिलेशन एंड हाउसिंग। इसके कंटेंट्स जो है वो डिफाइन वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या है, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन, एयर एंड वेंटिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ, हेल्थ पे पुअर वेंटिलेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स स्टैंडर्ड्स एंड नीड ऑफ हाउसिंग। जब हम हाउस बनाते हैं तो उसकी नीड्स क्या होती हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये भी डिस्क्राइब करूंगी। इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ, हेल्थ पे पुअर हाउसिंग के इफेक्ट्स क्या होंगे। आज तुसी मेरा लेक्चर तो सुनना पूरा, पता नहीं हुआ है कि नहीं, किस घर जड़ा किन्नी लंबाई किन्नी चौड़ाई किन्नी ऊंचाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन के केड़े केड़े तरीके होने चाहिए, और अगर ना हो तो केड़िया बीमारियां लगदियां। तुसी मैनू बुलाना नहीं तो इनू उच्चा नहीं करना। जी डिफाइन वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन दी कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ फाउल एयर बाय सप्लाई ऑफ फ्रेश आउटडोर एयर विद कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द इनकमिंग एयर। वेंटिलेशन क्या है, ये कंट्रास्ट वेंटिलेशन है, ये रिप्लेस करने के लिए जो है फ्रेश एयर लाने के लिए और फाउल स्मेलिंग जो है उसको बाहर भेजने के लिए। तो इसकी क्रॉस जो है क्रॉस वेंटिलेशन इसको बोलते हैं, कि फॉल स्मेलिंग जो है वो बाहर चली जाए, एयर वेंटिलेशन जो है फ्रेश वेंटिलेशन वो आउटडोर से अंदर आ जाए। विद कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इसकी जो फायदा होगा क्रॉस वेंटिलेशन का, फायदा क्या होगा कि एक तो क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर नॉर्मल होगी, कमरे में जो है हबस टाइप नहीं होगा, दूसरी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, और तीसरी चीज प्योरिटी ऑफ द इनकमिंग एयर। इनकमिंग एयर जो है वो प्योर होगी जब जो है कंटेमिनेटेड एयर या फाउल स्मेलिंग एयर जो है वो रूम से क्रॉस होके बाहर चली जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन। एयर एंड वेंटिलेशन जो है इसको इतना फोकस क्यों किया गया है इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर, इस टॉपिक को क्यों रखा गया, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। असेंशियल सप्लाई ऑफ एनर्जी, सबसे पहली बात तो इसकी ये कि इसके जो है सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है वो जरूरी है इसके लिए। जब तक हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो एनर्जी जो है वो हमें सप्लाई नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन टू जनरेट वैल्यूएबल एनर्जी। जितने भी लिविंग जो है लिविंग बीइंग्स हैं, जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं ऑक्सीजन के। जब तक उनको ऑक्सीजन जनरेट नहीं की जाएगी वो वैल्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन या फ्रेश एयर की जरूरत है। बॉडी सेल टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी टू ब्लड। अब जब हमें फ्रेश एयर मिलेगी तो हम उसको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करेंगे। हमारे बॉडी सेल्स जितने भी है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको फ्रेश ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जब हम इसको कैरी करेंगे तो वो ब्लड में भी हमारी फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी इंस्पायरेशन के लिए। इट इज असेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। तो जब हमारी बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल जाएगी,
जब हमें वैल्यूएबल एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन के थ्रू, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू असेंशियल प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग जो है उसको हम जो है प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग कर सकेंगे। अगर दो चीजें हमें नहीं मिलती, वैल्यूएबल एनर्जी थ्रू दी ऑक्सीजन और दूसरी चीज जो है इंस्पायरेशन करने के लिए हमें फ्रेश एयर नहीं मिलती, तो हाउ कैन वी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग जो है कर सकते हैं। तो हम जो है हमें जिंदा रहने के लिए, हमें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमें सांस लेने के लिए, हमें वैल्यूएबल एनर्जी के लिए जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत है। मेंटेनिंग टेम्परेचर, दूसरी चीज़ ये है कि इससे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। प्रॉपर एयर एंड वेंटिलेशन सिस्टम आर नेसेसरी टू मेंटेन द एडिक्वेट टेम्परेचर टू प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। हर ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेचर जो है वो एडिक्वेट टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, और एडिक्वेट टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर वो वेंटिलेशन के थ्रू ही हमें मिल सकता है, जब क्रॉस वेंटिलेशन या फ्रेश वेंटिलेशन हमें मिलेगी। ह्यूमिडिटी बैलेंस, इफ देयर इज प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम देन एयर हेल्प इन ड्राइंग व्हाइल मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी। जब हमें फ्रेश एयर मिलेगी या प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होगा रूम का या हमारे घर का या किसी फैक्ट्री का, तो देन हेल्प इन ड्राइंग व्हाइल मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो है एयर के थ्रू वो ह्यूमिडिटी जहाँ पे हुई है वो ड्राई हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी जहाँ होगी वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ एयर जो है उसकी एंट्रिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। जब एयर की एंट्रिंग और ह्यूमिडिटी जो है वो एक जगह पे हो जाए कि एयर की एंट्रिंग जो है वो अच्छी नहीं आ रही, दूसरी चीज़ वहाँ ह्यूमिडिटी है, जब तक एयर की एंट्रिंग नहीं होगी ह्यूमिडिटी ख़त्म नहीं होगी। अब दोनों चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट जो है डिजीज होंगी। इसी तरह से मिनिमाइजिंग पोल्यूशन, वेंटिलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इम्प्योरिटीज एंड गुड सिस्टम इन एक्सपेल बैक्टीरिया बॉडी ऑडर्स एंड एक्स्ट्रा। तो ये जो है पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए भी हमें जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। जब हमें एक जो है एग्जांपल ले लें, जब हमारे रूम में जो है एक विंडो भी है और दरवाज़ा भी है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। अब जो है ये डेफिनेटली विंडो क्यों होती है, जो ऑडर जो है ऑडर या स्मेल या जो है कह लें कि कंटेमिनेटेड एयर वो एक्सपेल फ्रॉम दी विंडो होती है, और जो फ्रेश एयर है वो डोर के ज़रिए से बाहर आती है। तो जब एक कमरे में नॉर्मली विंडो और डोर होगी तो विंडो से क्रॉस वेंटिलेशन होती जाएगी, तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, वहाँ ऑडर जितने भी कमरे के अंदर जमा हुई होगी वो, और बैक्टीरिया वायरसेस जितने होंगे वो उसके साथ जो है वो एक्सपेल्स फ्रॉम दी विंडोज़ हो जाएंगे, और वहाँ ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी। अगर वहाँ से कोई क्रॉस वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, जिस तरह हमारे घर छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ विंडो भी नहीं होती, अगर विंडो है भी तो कहीं पे क्रॉस वेंटिलेशन है यानी पूरा घर बंद है, जिस तरह लाहौर ज़्यादातर, कराची में ज़्यादातर छोटे छोटे घर है तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती। जब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी तो वहाँ ऑडर अपनी ही स्मेल जो है वो उस वहाँ पे जमा हो जाएगी, और वो स्मेल जो है वो हमारे लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर सकती है, बैक्टीरिया वायरसेस वहाँ ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रो स्पेशली जो है वहाँ ग्रो कर सकते हैं, पैरासाइट्स ग्रो कर सकते हैं, और वो ग्रो क्यों करेंगे कि वहाँ का जो है ह्यूमिडिटी भी वहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि जो है क्रॉस वेंटिलेशन नहीं आई, और बैक्टीरिया और मुख्तलिफ डिजीज भी हो सकती हैं। जी, हेल्थ बेनिफिट्स इसमें क्या होंगी, इंडोर एयर पोल्यूशन
कपल्ड विद बैड वेंटिलेशन एंड कैन लीड टू नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हेडेक, एलर्जी, अस्थमा एक्स्ट्रा। ये मैंने बताया ना कि जब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती तो उसमें पोल्यूटेड हो जाता है वो इंडोर, वो एरिया जहाँ पे, मैं तो एक रूम की एग्जांपल दे रही हूँ ना, जैसे एक रूम हो गया या एक घर हो गया, जब उसमें जो है वेंटिलेशन नहीं आएगी तो लीड टू नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम क्या होंगी, हेडिक होगी, एलर्जी होगी, अस्थमा होगा, और मेंटली हम जो है टॉर्चर होंगे, मेंटली हम जो है अपने आप को, जब वहाँ पे स्वेटिंग भी होगी, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा एलर्जी टाइप होगी, रैशेज होगे, अस्थमा होगा, हेडिक होगी, तो क्या हमें हमारा टेम्परामेंट वहाँ नॉर्मल रहेगा? तो हम मेंटली भी डिप्रेशन में और जो है मेंटली भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ बेनिफिट है एयर एंड वेंटिलेशन के, अगर एयर एंड वेंटिलेशन हमें नॉर्मली मिलता जा रहा है। स्टॉप कंडेंसेशन, स्टॉप कंसंट्रेशन कैन लीड टू मोल्ड एंड रोटन सर्फेसेस। अब कंडेंसेशन क्या है कि प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू लिक्विड वेपर, जिस तरह लिक्विड वाटर, जिस तरह मैंने अभी आपको जो है ह्यूमिडिटी की एग्जांपल दी थी, जहाँ पे एयर नहीं पहुँचेगी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, जब ह्यूमिडिटी वहाँ होगी तो वो चेंज होगा लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो मेरी स्लाइड आपको दिखाई गई है, इस स्लाइड में वाटर वेपर जो है दैट इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। अब यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी उसको क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिली और वो ड्राई नहीं हुआ, जब वो ड्राई नहीं हुआ जहाँ पे वाटर वेपर थे दैट कन्वर्ट इन दी लिक्विड फॉर्म, और वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वहाँ पे कंडेंसेशन भी होगी, कंडेंसेशन कैन लीड टू मोल्ड एंड रोटन सर्फेसेस, और ये रोटन सर्फेसेस में इकट्ठी होती चली जाएगी और इसकी मोल्डिंग होती जाएगी, जैसे दीवारों के अंदर, दीवारों के बाहर, दीवारों के ऊपर जो है ये जमा होती जाएगी। इट कैन काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज करेंगी। वेंटिलेशन कैन प्रिवेंट कंडेंसेशन, और वेंटिलेशन जो है ये किसको प्रिवेंट करेंगे, कंडेंसेशन को। अब कंडेंसेशन मैंने बताया कि जब ह्यूमिडिटी होती है तो दैट वाटर वेपर्स आर चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। अब वो लिक्विड वाटर फॉर्म आपको मैंने दिखाया हुआ है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे वेंटिलेशन आ जाएगी, हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, अदरवाइज ये इकट्ठे होते जाते हैं और दीवारें जो है उसके ऊपर आपको ये नमी नमी नज़र आएगी। इफेक्टिव इन लोअरिंग रोडेंट गैस कंसंट्रेशन। अब रोडेंट गैस, जब मैंने आपको जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ाया तो उसमें रोडेंट गैस का मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप सबको बताया था कि ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रोडेंट गैसेस होती हैं। रोडेंट गैस काज लंग कैंसर एज इज लिंक टू इट WHO। WHO ने इसको जो है लिंक किया है, उसके लिंक में है कि अगर रोडेंट गैस जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो इससे लंग कैंसर होते हैं। ये बात मैंने आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो टॉपिक था उसके अंदर भी लंग कैंसर का बताया, और ये लंग कैंसर अभी रिपीट इसलिए हुआ है कि अगर हमारे हाउसेस, हमारे रहने की जगह या हमारी फैक्ट्रीज, हमारा वर्क प्लेस इस तरीके का नहीं बना जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन और एनफ वेंटिलेशन होगी, तो ये चीज़ें वहाँ भी आएंगी। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन देन ट्रैप्ड रोटेंट गैस कैन बी एक्सपेल्ड। तो फिर वहाँ से रोटेंट गैस जो है वो एक्सपेल हो जाएगी क्रॉस वेंटिलेशन से। रोटेंट गैस मैंने पहले भी बताया, इट इज़ द नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव गैस एंड कम फ्रॉम द नेचुरल बैकग्राउंड ऑफ द यूरेनियम, और ये नेचुरली ही एयर के अंदर होती है, और ये जब
क्रॉस वेंटिलेशन होती है, तो ये कम हो जाती है, लेस हो जाती है, और क्रॉस वेंटिलेशन के साथ रूम से या जो घर है बंद घर उससे बाहर चली जाती है, तो फिर जो है डिजीज का खतरा नहीं होता। अदरवाइज ये लंग कैंसर, और जब लंग कैंसर होता है तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी जो है प्रॉब्लम्स होंगी। इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ। पुअर हाउसिंग, जब हम हाउस बनाते हैं तो हम ख्याल नहीं करते कि हमने घर में कोई वेंटिलेशन या क्रॉस वेंटिलेशन जो है उसको जो है घर को बनाते वक्त उसका ख्याल नहीं रखा। अब जब उसका ख्याल नहीं रखा तो पुअर हाउसिंग के हेल्थ पे क्या जो है इफेक्ट्स होंगे? नंबर वन तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगी, स्किन इन्फेक्शंस होंगे, वेक्टर बोर्न डिजीजेस होंगी, डिफेक्टिव विजन होगा, क्रॉनिक डिजीजेस होंगी एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। अब इनकी डिटेल एक एक की आगे अगली स्लाइड्स में, ये मैंने इनलिस्ट किया है यहाँ पे, इनकी डिटेल आगे है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, वेक्टर बोर्न डिजीजेस, डिफेक्टिव विजन, क्रॉनिक डिजीजेस एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन होगा। एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आइसोलेशन, एक तो हम आइसोलेट कर देंगे उस जो है स्मॉल हाउस में जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, हम आइसोलेट हो जाएंगे। दूसरा न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मैन मीन डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन्स, और उसका इफेक्ट्स क्या होगा, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होंगे, स्ट्रेस होगी, डिप्रेशन होगा। इन्हीं चीजों को न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस को थोड़ा सा और क्लियर करती जाऊं कि जब हमें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकली हम डिसऑर्डर होते हैं तो सबसे पहले तो हमारे बिहेवियर जो है वो ऑन एंड ऑफ हो रहे होते हैं, दूसरा हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तीसरी चीज हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ये चीजें हमारे साथ होती हैं तो हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की, हम शाउटिंग भी करते हैं, और हमें जो है न्यूरोसिस में कुछ कलर्स या कुछ चीजें जो है वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ कलर्स नजर आते हैं जो हमें जो होते नहीं है, हमें आवाजें सुनाई देती हैं जो होने हमें नहीं होते जो है, हमें ये जो चीज मैं बताती जा रही हूँ, इंसान डर रहा होता है, उसको फोबिया हो जाता है कि हमें कुछ हो जाएगा, हमें कुछ होने वाला होगा, और ये चीजें जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बढ़ाती चली जाती हैं। और इसमें जो है फोबिया लाइक जो है फोटोफोबिया, या हमें जो है अपनी जो है हेल्थ का फोबिया कि हमें कुछ हो जाएगा, इस टाइप की जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे, इस टाइप की स्ट्रेस में चले जाएंगे। जब वहाँ की जो है टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर नॉर्मली नहीं होगा, वहाँ इचिंग होगी, वहाँ पे हॉट होगी, वहाँ पे हबस होगा, तो ये सारी चीजें जो है फिर साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में चले जाते हैं। अब हम जो है वन बाय वन इसकी डिस्कस करते हैं। वन बाय वन में जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या हो सकती हैं? कॉमन कोल्ड हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड मीन के हमने हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरी बात टीबी हो सकती है। तीसरा जो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मीन के फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये एक वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा, जो जो है क्रॉस जो है वेंटिलेशन की वजह से होने का रिस्क फैक्टर। ये चीजें जो है डेफिनेटली नहीं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, इनमें से एक दो भी हो सकती है, इनमें से ज्यादा भी हो सकती है, इनमें पूरी फैमिली को किसी को कोई और किसी को कोई डिजीज भी हो सकती है। अगर इम्यून सिस्टम सही है, हम वेंटिलेशन को कवर अप कर जाते हैं तो ये चीजें नहीं भी होंगी। तो इनमें जो कॉमन कोल्ड वहीं पे होता है जहाँ क्राउडी एरिया होता है, वहां पे पुअर पीपल रहते हों और क्राउडी एरिया हो, और वहां पे वेंटिलेशन का सिस्टम भी सही नहीं होता और हाइजीनिकली कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं होती, तो वहां पे टीबी आता है। फिर इन्फ्लुएंजा भी वहीं आता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है,
और ये जो है महीनों जो है फ्लू लाइक सिम्टम, रनिंग नोज जो है फ्लू लाइक सिम्टम इस तरह से होता है। और इस ये फ्लू लाइक सिम्टम इन्फ्लुएंजा का अब तो जो 6 हमारी डिजीजेस हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन भी बना दी हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंजा होने लगा था। डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया जो है सीवियर जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, सीवियर रेस्पिरेटरी जो है डिसऑर्डर्स हो जाता है। और ये एक कंटेमिनेटेड कंटेजियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक से दूसरे को हो जाती है। इसी तरह से ब्रोंकाइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई, और जब ब्रोंकाइटस होता है तो डेफिनेटली जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी होगी। ये सारी जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करेंगी, और ये जितनी भी डिजीजेज है ये सारी जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस है, और सारी ही जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस है, एक से दूसरे को लगने वाली। स्किन इन्फेक्शंस, अब स्किन इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं? स्केबीज, रिंगवॉर्म, लेप्रोसी। अब स्केबीज का तो आप सबको पता है कि स्केबीज है, रिंगवॉर्म्स का भी आपको पता है कि जो डायरिया, डिसेंट्री करवाते हैं, जिसका मैं आपको जो है अपने लास्ट लेक्चर में आज ही बता चुकी हूँ कि रिंग वॉर्म जो है डायरिया, डिसेंट्री करवाएंगे। और ये जो है ये एक से दूसरे को हो सकते हैं। ये स्किन इन्फेक्शन जो है जब जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं होता वहां पे होती है। लेप्रोसी, लेप्रोसी इज द कंटेजियस डिजीज विच इन्वॉल्व द फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन को। जब मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेट कि मसल्स के अंदर जितने भी टेंडेंस एंड लिगामेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जब टेंडेंस एंड लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बोन्स को भी इन्वॉल्व करती है, और ये डिफॉर्मेटी भी कर देती है, और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस जो है होल बॉडी का भी हो सकता है, पेरालिसिस उस साइड का भी हो सकता है जिस साइड पे लेप्रोसी हुई है। दूसरी वेक्टर बोर्न डिजीजेस, वेक्टर बोर्न डिजीजेस में हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, रैट्स, फ्लाई स्प्रेड एंड फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस। अब जब हाउस में होगी वॉर्म इन्फेस्टेशन, थ्रेड वॉर्म इन चिल्ड्रन। अब मैंने वॉर्म इन इन्फेस्टेशन में मैंने बताया कि चिल्ड्रन में मोस्टली थ्रेड वॉर्म होते हैं, सम टाइम थ्रेड वॉर्म मैंने बताया था कि जहां पे थ्रेड वॉर्म होते हैं तो इनको बच्चों को डीवॉर्म करना पड़ता है। जब किसी बच्चे में थ्रेड वॉर्म आते हैं तो इट मींस के वो पूरे घर वालों में आ जाते हैं,
कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से स्लाइड की मिसिंग हो गई थी। मैं रिमेटिक फीवर सॉरी रिमेटिक हार्ट डिजीज बता रही थी। जैसे जो है रिमेटिक हार्ट डिजीज मीन के हार्ट के जो वेल्व है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। हार्ट के वेल्व में जो है वो इन्फेक्शन जब होता है तो फीवर होता है। जब हार्ट के वेल्व के साथ साथ उसके इन्फेक्शन के साथ साथ फीवर होता है तो दैट इज कॉल्ड रिमेटिक हार्ट डिजीज। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई जो होते हैं वो भी क्रॉनिक हो जाती है। और ये डिजीजेस जो है जब मोर देन 3 मंथ मोर देन 6 मंथ हो जाए तो दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। तो जब हम इनको मैनेज नहीं करते, इनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें वेंटिलेशन का, जैसे जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी या हार्ट डिजीज कोई भी होगी या ब्रोंकाइटिस होगा तो डेफिनेटली वहां पे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होती है। जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होती है तो हमें किस चीज की मोर्टेलिटी रेट में हाई मोर्टेलिटी रेट एंड हाई मॉर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मीन के डेथ रेट जो जो है वो भी जब इतनी डिजीजेज होंगी तो डेथ रेट भी हाई होगा। और जो है डिजीज का रेट मॉर्बिडिटी रेट मीन डिजीज का रेट भी वहां पे हाई होगा। एक्सीडेंट है तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन, इसकी एक एग्जांपल जो है किचन की है। किचन को जब भी बनाते हैं तो जो हाउस होल्ड लेडी होती है तो किचन की शेल्फ उसके एंगल के अकॉर्डिंगली रखते हैं। जी निम्रा, यस आई एम विद यू, थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ हूँ। आर यू विद मी? जी मैं आपको एक्सीडेंट की बात बता रही थी कि अगर हाउस की या होम की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते वक्त नॉर्मली नहीं बनाई जाती, कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता तो एक्सीडेंट होते। वो शेल्फ शेल्फ को इतना ऊंचा ना बना दिया जाए कि वो जो है प्रिपेयर्ड फूड फूड जब उसने करना है तो उससे चम्मच ही ना हिलाया जाए। और वो नीचे जब वो पीढ़ी, या ये मेरे जो है एक्सपीरियंसेस है मुख्तलिफ वुमेन के साथ, जब वो नीचे कोई पीढ़ी टाइप चीज रख के स्टेप टाइप कोई चीज रख के कुकिंग करेंगी तो वो फिसल जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह जब वो जो है कोई चीज कटिंग या वॉशिंग करती हैं तो उनके जो है अक्सर जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जब वो चम्मच हिलाती हैं तो शेल्फ ऊंचा है उसके ऊपर शार्पनर जो है वो इस तरह से शार्प बना देते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं। या वॉशरूम में कोई इस तरह की जो है डिफॉर्मेटी या डिफेक्ट्स रख देते हैं कि हम वॉशरूम में गिर
जाते हैं या इंजर हो जाते हैं। ये जब हम हाउस बनाते हैं, आगे मेरी स्लाइड में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ होम बताया गया है, उसमें के कितनी हाइट होगी, कितनी जो है वेथ होगी, तो कितनी जो है विंडोज होंगे, डोर होंगे, ये सारी चीजें हैं जो है कंस्ट्रक्शन की बताई गई हैं अगली स्लाइड्स में। कुछ जो है साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है दीज इफेक्ट मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड। अब जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है आइसोलेशन, साइकोलॉजिकली जो है वो आइसोलेट फील करता है, इट मे लीड टू न्यूरोसिस एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। इसको बिहेवियरल डिसऑर्डर और न्यूरोसिस होते हैं, और न्यूरोसिस मैंने आपको पहली अपनी स्लाइड्स में अच्छी तरह से बताया कि व्हाट इज दी न्यूरोसिस। इट आल्सो कैन कॉज डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, और ये क्या कॉज करेगा, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। ये थे हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जी। इसके साथ ही 56 मिनट हो गए। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन एंड हाउसिंग, यहां से जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया। जहां तक मैंने पढ़ाया, कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझे कर सकते हो, ताकि मैं आपका वो क्वेश्चन, मेरे पास 3 मिनट है, उन 3 मिनट्स में वो क्वेश्चन आपका कवर आप कर दूं जी। रिटर्न राइट करें अगर कोई क्वेश्चन है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो है इसी स्लाइड के साथ मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन।